15 करोड़ आदिवासी अगर खाने में ट्राइबल लिख दिए तो सारे के सारे आदिवासी, भारत के 15 करोड़ आदिवासी एक ही झटका में धार्मिक गुलामी से आ जाए। जबकि पावर आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। आप अगर सब के सब, भारत के समस्त आदिवासी अगर ट्राइबल शब्द लिख दीजिए जो इस मंच के द्वारा घोषित किया गया है, तो आपको ट्राइबल कालम मिल जाएगा। इससे सरल और क्या चीज हो सकता है? कुछ भी सरल और सरल नहीं है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहूंगा। मैं पहले ही बोला कि बहुत सारा विचार यहाँ पर आ रहा है, कोई सरना, कोई गोंडी, कोई कोयापिनम, कोई भिली, कोई फलाना, कोई ढकाना। 49 लाख कोडिंग करके हमारे सरना भाई लोग 2015 में आरजीआई में लेटर दिए थे, वो लेटर है हमारे पास। 2015 में 49 लाख गणना कराकर सरना भाई हमारे आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया महालेखा परीक्षक में गए थे। महालेखा परीक्षक उनको लिखित में जवाब दिया है, सरना वालों को जवाब दिया, लिखा है कि आप किसी धर्म का गुण दोष विशेषता बताने की जरूरत नहीं है, आप संख्या बताइए। संख्या जो संख्या सबसे ज्यादा कर देंगे उसमें आपको दे दिया जाएगा, ये लिखा हुआ लेटर में। तो आप उसी रास्ते को पकड़िए जो आपके हाथ में है, उसी को पकड़िए। आप इधर उधर मत जाइए, समय का इंतजार कीजिए और जब समय आएगा कालम भरने का उसमें ट्राइबल भरिए, देखिए आपका काम आसान हो जाएगा। आप 14 करोड़ ट्राइबल को लेकर जब आरजीआई में जाएंगे तो मना कर पाएगा क्या? 14 करोड़ कोडिंग अगर ट्राइबल शब्द को लेकर जाएंगे तो कोई भी भारत सरकार कोई भी मना नहीं कर पाएगा और आपको एक कालम मिल जाएगा 14 करोड़ को लेके। मैं तो चाहता हूं अगर भारत में सही जनगणना कराया जाए तो लगभग 20 करोड़ की संख्या है आदिवासी। ये संख्या बल मायने रखता है, आज के समय संख्या बल मायने रखता है। दूसरा कंफ्यूजन, बहुत सारे हमारे साथी थोड़ा बहुत धर्म संस्कृति के बारे में समझ लेते हैं और हल्ला करते हैं कि अगर कोई धर्म कालम आया, ट्राइबल आया, कोई शब्द आया तो एक नेशनल धार्मिक पुस्तक बनेगा, ऐसा भी विचार चल रहा है। सभी आदिवासियों का एक झंडा बनेगा, सरना वाले खत्म हो जाएंगे, गोंडी भी खत्म हो जाएगा, जो नया धर्म बनेगा उसका पूरा एक धर्म गुरु रहेगा। ये बिल्कुल सब गलत है, किसी का भी कुछ छीनने वाला नहीं। सरना अपनी जगह रहेगा, गोंडी अपनी जगह रहेगा, भील वालों का कांसेप्ट अपनी जगह रहेगा। सिर्फ 10 साल में जो एक जनगणना होता है उस कालम की हमको जरूरत है जिसमें हम बैठ सके। एक घर चाहिए जिसमें सारे आदिवासी अपनी जनगणना करा सके। सिंपल सा सोचना है, जितना ज्यादा बाल की खाल आप निकालेंगे, जितना ज्यादा जटिल करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी समस्या और बढ़ती जाएगी। आदिवासी एक सिंपल सीधा सोचने वाला है, उसी अपने गुण को काम करते हुए अगर समस्त भारत के आदिवासी इस मंच के तले आ गए और ट्राइबल शब्द को अंकित कर दिया तो आप